महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बीतने के बाद एक बार फिर सियासी खेल शुरू हो गया है। विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में विवाद काफी बढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मातोश्री से कोई जवाब कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा। इस सियासी घटनाक्रम के बाद से राज्य में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद की 4 सीटों के लिए 26 जून को मतदान होने वाला है और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि महाविकास अघाड़ी का कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इस पर फैसला लेने के लिए बैठक का आयोजन किया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैठक के पहले ही विधान परिषद की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस विधान परिषद की 2 सीटें नासिक शिक्षक और कोंकण स्नातक सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। कल सुबह से महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उनका कॉल ले ही नहीं रहे, कोई जवाब नहीं आ रहा। उद्धव ठाकरे नाना पटोले का फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब रोचक बात यह भी है कि आज दोपहर अमरावती से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखेड़े का पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर से उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर मुलाकात की और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के जूनियर नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठा रहे। चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का कल आज आखिरी दिन है और कांग्रेस का कहना है कि आज दोपहर 3 बजे तक वो इंतज़ार करेंगे और अगर जवाब आया तो ठीक, नहीं तो आगे का फैसला कांग्रेस ले लेगी। ठाकरे गुट को लेकर नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा परिषद में उद्धव ने बिना बातचीत किए ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, यही अगर बातचीत करके खड़ा किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता और हमने उद्धव से संपर्क करने की कोशिश भी की थी लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो आज ही है, यानी कि 12 जून। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा इंतज़ार और करेंगे। अभी तक तो नाना पटोले ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई नाराज़गी और असहमति नहीं है। पटोले ने यह भी कहा कि सभी सांसद उनसे मिल रहे हैं, सभी से चर्चा चल रही है, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में ही काम करेंगे और हम चाहते हैं कि विधान परिषद के उम्मीदवारों पर हर कोई एक संयुक्त चर्चा करे, उसके बाद फैसला ले। विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्र मुंबई शिक्षक, मुंबई स्नातक और कोंकण संभाग स्नातक, नासिक संभाग शिक्षक स्नातक के लिए इन क्षेत्रों के लिए 26 जून को मतदान होना है। पहले 7 जून को चुनाव होना था लेकिन शिक्षक संघों ने स्कूल की छुट्टियों की वजह से मतदान तिथि स्थगित करने का अनुरोध किया था और इस चुनाव के लिए अब हर पार्टी ने कमर कस ली है। लेकिन उद्धव ने जो कांग्रेस से दूरी बनाई है उससे महाराष्ट्र की सियासत में एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है। क्या महाविकास अघाड़ी महायुति के सामने एकजुटता दिखाएगी, ये देखना अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।